आज का हमारा जो सेशन है दैट इज अबाउट वेट मैनेजमेंट, ये कंटिन्यूएशन है हमारे कल के सेशन का। और आज के इस सेशन की शुरुआत हमने कल जिस चीज के साथ क्लोज किया था, जिस थॉट के साथ क्लोज किया था, हम उसी थॉट से करते हैं। हमने कल बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में जाना था वेट मैनेजमेंट के, और आज हम बात कर रहे हैं उनके बारे में और डिटेल में। लेकिन हमने कल इस थॉट के साथ क्लोज किया था कि हर दिन हमारे पास एक चांस होता है स्ट्रॉन्गर बनने का, बेटर खाने का, हेल्दियर लाइफ लीड करने का, एंड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो आई एम श्योर हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सब का एम रहेगा टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एंड उसके लिए हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर हम ये चाहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कोट विच आई रेड, एंड मुझे लगा कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। कहा जाता है कि अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि इससे आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो आज के सेशन में और कल हमने जो बात की वो हमने इन्वेस्टिंग की बात की, अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने की बात की, टू बी अ हेल्दियर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। और हमने बात की थी कि जो की होती है एक वेल बैलेंस्ड डाइट की, वो होती है एक रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेलबींग की। सो वी स्पोक अबाउट यू नो अ बैलेंस डाइट, जिसके हमने बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स के बारे में कल बात की, और हमने बात की थी एक्सरसाइज भी हमारे लिए इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम कमिट करना चाहते हैं कि हम फिट रहें, तो बहुत जरूरी है कि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है ये बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। एंड हमने कल भी बात की थी, मैं बहुत क्विकली इसका रिकैप कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत पर्टिनेंट है आज हम जो बात करने वाले हैं उससे, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे ये एक बहुत अच्छा मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है ऑफ हेल्दी यू नो डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो क्यों ना शुरुआत करें बात करके कि क्या फायदे हैं हेल्दी एक्सरसाइज के। ये हमारे बॉडी फैट को रिड्यूस करती है, ये हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ आती है अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। ये क्रॉनिक पेन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको मैनेज करने में मदद करती है। एक्सरसाइज करने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं, डायबिटीज का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, और ये हमारी मोबिलिटी को बना के रखती है, और ढेर सारे और बेनिफिट्स हैं जो एक्सरसाइज करने से होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अपने ऊपर, सो एक्सरसाइज इज वन सच इन्वेस्टमेंट जो हम अपने ऊपर करते हैं। तो अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, बेटर फील करना चाहते हैं और बेटर दिखना भी चाहते हैं, चाहे आप अपना वेट कम करना चाहें, चाहे आप एडवांस्ड न्यूट्रिशन के फायदे उठाना चाहें, या आप कोई एक नया एक्सरसाइज रूटीन अपने लिए ढूंढ रहे हो, फॉरएवर फिट में आपके लिए वो सब है जो आप देख रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट फॉरएवर फिट के साथ आप अच्छा दिखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। एंड हम कहते हैं फॉरएवर फिट जो है ये शुरुआत है आपकी बहुत ही अच्छे सफर की। तो आइए हम इस सफर पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। फॉरएवर फिट प्रोग्राम जो है ये मदद करता है आपको बिल्ड करने में एक बहुत ही स्वस्थ लाइफस्टाइल। आप सोच रहे होंगे फिट क्या है, फिट फिटनेस के साथ हम लिंक अप करते हैं। फॉरएवर फिट जो है वो स्टैंड करता है, फिट का एफ स्टैंड करता है फाउंडेशन के लिए, आई इज फॉर इंस्पिरेशन, और टी जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। अब ये फाउंडेशन और इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इसमें फिट बैठते हैं आइए देखते हैं। फॉरएवर फिट प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनल और वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज प्लान है जो डिजाइन किया गया है लाइफस्टाइल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अच्छी हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करने के लिए। फॉरएवर फिट प्रोग्राम में आपको मिलती है एक फाउंडेशन, यहाँ से एक फाउंडेशन की शुरुआत होती है। इस प्रोग्राम में आपको इंस्पिरेशन मिलती है
जो आपको चाहिए होती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि फिट स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन जो ये प्रोग्राम ले करता है एक बेस्ट वर्जन बनने का, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने का। और आपको इस प्रोग्राम के जरिए, ये इतना आसान है, इजी टू फॉलो है, कि आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है इस प्रोग्राम से जो आपको चाहिए होती है। हम सबको इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। ये इंस्पिरेशन आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करती है। फॉरएवर फिट जो है ये हम कहते हैं जीने का एक तरीका, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और इसमें चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है C9, दूसरी होती है F15 बिगिनर, फिर है F15 इंटरमीडिएट और फिर है F15 एडवांस्ड। आज हम C9 के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारतवर्ष में लॉन्च भी किया गया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। सो बिफोर वी टॉक अबाउट C9, बहुत जरूरी है हमें जानना कि फॉरएवर फिट से हम कैसे रिचार्ज और रीसेट हो सकते हैं। फॉरएवर फिट में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। अब आप सोचेंगे फॉरएवर फिट ही क्यों, वाई फॉरएवर फिट, क्या है इसमें खास? तो फॉरएवर फिट में ऐसे बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं जो बहुत यूनिक हैं कंपीटिंग प्रोग्राम्स, फिटनेस प्रोग्राम्स के से अगर हम देखें तो। सबसे पहला फॉरएवर फिट जो को जो यूनिक बनाता है वो है बहुत हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसके अंदर प्योरिटी है एलोवेरा की। सो ये चीज इसको बहुत ही यूनिक बनाती है, हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड द प्योरिटी ऑफ आवर एलोवेरा। दूसरी चीज जो इसको बहुत यूनिक बनाती है कि फिट प्रोग्राम में आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड रेसिपीज मिलती हैं। ये बहुत आसान है, इसमें आपको बैलेंस्ड रेसिपीज मिलती हैं जिसको आपको सिर्फ फॉलो करना है। और तीसरा, अब जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज दोनों की बात करते हैं। इस प्रोग्राम में आपको इजी टू फॉलो एक्सरसाइजेस भी मिलती हैं। सो ये तीन चीजें हैं जो हमारे प्रोग्राम को इतना यूनिक बनाती हैं। तो आइए देखते हैं पहले कंपोनेंट के बारे में, क्लीन 9, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो हमने भारत में लॉन्च किया, और जानते हैं कि ये क्लीन 9 क्या है। क्लीन 9 एक एक्सपर्टली डिवाइस्ड, एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया क्लेंजिंग प्लान है जो डिजाइन किया गया है हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए, हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको हटाने के लिए और हमारे माइंडसेट को एडजस्ट करने के लिए। क्लीन 9 डाइट जो होती है ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करती है, एक परफेक्ट शुरुआत देती है हमको फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हमारी डाइट और फिटनेस हैबिट्स। यानी कि क्लीन 9 के जरिए हमें एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मिलती है अगर हम अपनी डाइट और फिटनेस की आदतों में बदलाव लेके आना चाहते हैं। ये प्रोग्राम फॉरएवर के बेस्ट सेलिंग एलोवेरा ड्रिंक पे से के थ्रू बना हुआ है, इसके अराउंड बेस्ड है। और ये न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोग्राम आपको सही सही रियल रिजल्ट्स दिखाएगा 9 दिनों के अंदर, राइट? जैसे कि इसका नाम है क्लीन 9, C9, 9 दिन में, 9 डेज के अंदर आप रियल रिजल्ट्स इसके अंदर देखते हैं और हमने देखे भी हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी प्रोग्राम काम कैसे करता है? क्लीन 9 प्रोग्राम आपके लिए सारी प्लानिंग करता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस प्रोग्राम को फॉलो करना है। ये प्रोग्राम एक बहुत ही आसानी से फॉलो करने वाली बुकलेट में के थ्रू आपको मिलता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं हर एक 9 दिनों के लिए। तो जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को फॉलो किया था, आई एम श्योर वो जानते होंगे कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे भी। ये बुकलेट आपको प्रोवाइड करती है बहुत सारी न्यूट्रिशियस शेक की रेसिपी आइडियाज, आपको देती है एक लिस्ट फ्री फूड्स की जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, और साथ ही साथ ये लो होती है कैलोरीज में और इवनिंग मील रेसिपीज के अंदर, राइट? ये बुकलेट जो है इसमें लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस होती हैं सपोर्ट करने के लिए आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी। ना ही इस प्रोग्राम में आपकी पूरी प्लानिंग है, और प्लानिंग किस चीज की है, एक हेल्दी डाइट की प्लानिंग है और एक्सरसाइज की प्लानिंग है, जो ये दोनों चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं आपको अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए।
सो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अच्छा दिख सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं सिर्फ 9 दिनों में। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और अभी हम आपको बताएंगे भी। क्लीन 9 प्रोग्राम शुरुआत करता है जम्प स्टार्ट करने की आपके एक सफर की ऑफ अ स्लिमर एंड हेल्दियर यू, यानी कि आप सिर्फ पतले ही नहीं होते बल्कि आप हेल्दी भी महसूस करते हैं। ये एक इफेक्टिव इजी टू फॉलो क्लेंजिंग प्रोग्राम है जो आपको वो सारे टूल्स देता है जिसकी आपको जरूरत होती है अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। क्लीन 9 पहला स्टेप है स्टैब्लिश करने का हमारी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स को, दैट विल हेल्प यू अचीव ट्रू एंड लॉन्ग लास्टिंग वेट मैनेजमेंट। तो अगर आप कल के सेशन को याद करें तो कल के सेशन में हमने बताया था कि अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इट्स अबाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल एंड दैट्स व्हाट आपको क्लीन 9 के थ्रू मिलता है। ये पहला कदम होता है आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स को चेंज करने के लिए ताकि आप एक सही मायने में सच्चा और लॉन्ग लास्टिंग वेट मैनेजमेंट कर सके। ये एक प्रोवन क्लेंजिंग प्रोग्राम है और ये एक फाउंडेशन है हमारे फॉरएवर फिट प्रोग्राम की। तो आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में के बारे में कुछ और। ये प्रोग्राम आपको 3 तरीके से मदद करता है, ये आपको बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लेके आता है 3 एस्पेक्ट्स में। पहला, आप ऑप्टिमल हेल्थ पाते हैं, आप बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं, स्वस्थ होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये उसको बाहर निकालता है ये प्रोग्राम, राइट? फाउंडेशन है ये, और ये आपको पतला और लीन होने में मदद करता है इन अ हेल्दी वे, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस लाने में मदद करता है। सो इस तरीके से ये आपको बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लेके आता है। लेकिन आपको इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले किसी लाइसेंस फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप कंसल्ट जरूर कीजिए फॉर मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, बिकॉज आप एक नए तरीके के डाइटरी सप्लीमेंट और एक्सरसाइज प्रोग्राम को आप शुरुआत कर रहे हैं। सो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बिफोर यू बिगिन अ प्रोग्राम बिकॉज इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफस्टाइल। तब आप 9 दिन में क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमने ये तो आपको बोला कि 9 डेज में आप अच्छा दिख सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट करें 9 डेज के अंदर। 9 डेज में आप अच्छा दिखेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो आपकी जो जिनकी वजह से आपकी बॉडी आप जो खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इस क्लीन 9 प्रोग्राम के जरिए ये सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी के बाहर जाएंगे, यानी कि आपको एक बेटर अब्सॉर्प्शन मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर। आप हल्का महसूस करेंगे इस प्रोग्राम के बाद, और आप हल्का महसूस करने के साथ साथ कमजोर नहीं बल्कि और एनर्जेटिक महसूस करेंगे क्योंकि आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल गए हैं। सो इस ये 4 चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 9 डेज के अंदर। आप मैक्सिमम रिजल्ट्स डिजर्व करते हैं और आपको इन टिप्स को फॉलो करना है टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आप सबसे अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को प्रोग्राम शुरू करने से पहले वे करेंगे और मेजर करेंगे, राइट? तो आप अपनी बॉडी मेजरमेंट्स लेंगे और अपना वेट लेंगे बिफोर यू बिगिन द प्रोग्राम ताकि आप डिफरेंस देख सके, राइट? दूसरा, आप अपने डेली एक्सरसाइज का, फूड इनटेक का, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर ये आप रिकॉर्ड रखेंगे, और मेंटल रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, आप रिटन रिकॉर्ड रखेंगे इसको, राइट? ताकि आप अपने आप को अकाउंटेबल महसूस करें इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए। और जब आप लिखेंगे तो आप को लगेगा, अगर आप डिविएट भी कर रहे होंगे तो आप इमिजिएटली रियलाइज कर जाएंगे। तो एक दूसरी जरूरी चीज है जो आपको करनी है। तीसरा, इस प्रोग्राम के दौरान आपको बहुत सारा पानी पीना है, यानी कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर मिनिमम जो आपको पीने हैं, जो बोला जाता है, जो हम सुनते हैं कि 8 ग्लास जरूर पीने चाहिए, मिनिमम आपको 8 ग्लासेस पीने हैं। इससे आपको फुलर फीलिंग होगी, पेट भरा भी महसूस होगा, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स भी बाहर जाएंगे,
आप हेल्दी, आपको हेल्दी स्किन मिलेगी और ऑप्टिमल हेल्थ आप पाएंगे, राइट. चौथी और जरूरी चीज जो है वो आपको थोड़ा नमक कम करना पड़ेगा. नमक जो होता है वो फ्लूइड रिटेंशन करता है हमारे बॉडी में, पफिनेस आती है आपको बॉडी में, भारीपन लगता है. तो आप नमक कम करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान और हर्ब्स या स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे अपने खाने को फ्लेवर करने के लिए. तो नमक को आपको कम करना है. पांचवी और जरूरी चीज, आपको सोडास या जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं ये आपको अवॉइड करने हैं कम्प्लीटली. कार्बोनेशन जो होता है इससे ब्लोटिंग होती है, बॉडी में पफिनेस आती है, और सोडास जो होते हैं ये अनवांटेड कैलोरीज और शुगर आपकी बॉडी में देते हैं. तो ये पांच चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट डिजर्व करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं. तो आइए हम इन 9 दिनों को डिटेल में जानते हैं. हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं विद फॉरएवर, और हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की, विच इज द क्लीन 9 प्रोग्राम. तो जानते हैं कि 9 डेज, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हम 9 डेज में करते क्या हैं, ताकि आप के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हों वो यहीं के यहीं सॉर्ट आउट हो जाए. तो डे 1 और 2 क्या होता है, पहले 2 दिन क्लीन 9 प्रोग्राम के जो होते हैं वो डिजाइन किए गए हैं आपकी बॉडी को रीसेट करने के लिए और आपके माइंड को भी रीसेट करने के लिए, राइट. तो शुरुआत करते हैं. इसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरएवर के हम इस्तेमाल यूज करते हैं. तो शुरुआत करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में आप 2 सॉफ्ट जेल्स लेते हैं फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के विद 240 ml ऑफ वाटर. उसके बाद आप 30 मिनट्स वेट करेंगे और आप पूरे दिन के लिए एक 330 ml का एलोवेरा जेल का पैक लेंगे, एलो मिनी, और उसमें आप एक स्टिक आरजी की डालेंगे. ये पूरा दिन के लिए है, इसको आप 3 बार में कंज्यूम करेंगे. सो विच इज 330 ml आरजी और एलोवेरा जेल का जो मिक्सचर है, इसमें से 30 मिनट वेट करने के बाद गार्सिनिया प्लस लेने के, आप सिर्फ 110 ml इस 330 ml में से मिक्सचर लेंगे आरजी और एलोवेरा का, राइट. ये आपको एनर्जी देगा, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करेगा. उसके बाद डे 1 और 2 में आप एक्सरसाइज में एंगेज करेंगे, 30 मिनट्स की लो इंटेंसिटी आप एक्सरसाइज करेंगे, 2 मिनट लेंगे स्ट्रेच करने के लिए, 5 मिनट आप वार्म अप करेंगे. सो हमारी रिकमेंडेशन इसमें ये रहती है कि आप मॉडरेट एरोबिक सेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को एक फैट बर्निंग जोन में लेके आ सके, राइट. फिर मिड मील की बात होती है, स्नैक्स की बात होती है. तो आप इसमें एक स्टिक फॉरएवर फाइबर की लेंगे विद 240 ml ऑफ वाटर और इसको गल्प कर लेंगे. फॉरएवर फाइबर के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी. अभी मैं आपको ये प्लान एक्सप्लेन कर रही हूँ, डाइट इसकी एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद लंच में आते हैं. लंच में हम 2 सॉफ्ट जेल्स लेंगे फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के विद 240 ml ऑफ वाटर. अगेन हम 30 मिनट्स वेट करेंगे और आपका जो 330 ml का मिक्सचर है उसमें से आप 110 ml आरजी और एलोवेरा का ले चुके हैं. अब आप 110 ml आरजी और एलोवेरा जेल का मिक्सचर लेंगे. उसके बाद आप एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का 3 ml वाटर में या आमंड मिल्क में या सोय मिल्क में, क्वांटिटी इज 300 ml, राइट, या कोकोनट मिल्क में इसको मिक्स करके एक शेक बनाएंगे. And you can relish this appetizing shake, right? उसके बाद dinner से पहले आप 2 soft gels early dinner आप actually लेते हैं और dinner में आप 2 soft gels लेते हैं forever Garcinia Plus के with 240 ml of water. So अगर आप ब्रेकफास्ट 9 बजे ले रहे हैं तो आप करीब 11 बजे आप अपना स्नैक लेते हैं. ब्रेकफास्ट अगर आप 8 o'clock ले रहे हैं तो 10:30 के करीब आप अपना स्नैक ले रहे हैं. आप लंच 1:30 बजे के करीब ले रहे हैं एंड आप डिनर जो है अपना अर्ली ले रहे हैं, अराउंड 6 से 6:30 आप गार्सिनिया प्लस ले रहे हैं. और अराउंड 8 अगर आपको लेना है तो आप 110 ml ऑफ आरजी और एलोवेरा जेल का मिक्सचर ये आप लेंगे.
तो जो 330 ml एलोवेरा और आरजी का मिक्सचर था उसको आपने ब्रेकफास्ट में लिया 110 ml, लंच में लिया 110 ml और लेट इवनिंग में आपने इस मिक्सचर को लिया। तो ये डाइट आप फॉलो करते हैं डे वन और डे टू में, दिस इज योर डाइट। इस समय आपकी बॉडी डे वन एंड डे टू आर वेरी क्रूशियल बिकॉज दिस इज अ टाइम जब आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, राइट। चेंज की शुरुआत अब हो रही है। एक्सरसाइज क्या रहेगी डे वन और डे टू में, ब्रीफली हमने बताया था, आप 30 मिनट्स की लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि 2 मिनट्स का स्ट्रेच या 5 मिनट का वार्म अप। आप मॉडरेट एरोबिक सेशंस भी कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी फैट बिल्डिंग जोन में जाए। 30 मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो आप करेंगे इन डे वन एंड डे टू। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज वी सी ऑफ हेल्दी डाइट जो आप ले रहे हैं एंड एक्सरसाइज टू क्लीन अवे ऑल द टॉक्सिन्स। क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हम डाइट पे आते हैं डे थ्री की। डे थ्री में की डाइट में की अगर के बारे में अगर हम बात करें तो डे थ्री में अगेन ब्रेकफास्ट में हम लेंगे अगेन ब्रेकफास्ट में हम लेंगे गार्सिनिया प्लस के 2 सॉफ्ट जेल्स विथ 240 ml ऑफ वाटर। 30 मिनट्स वेट करेंगे। आपने 330 ml एलो मिनी का एलोवेरा जेल मिनी का और आरजी का की एक स्टिक का मिक्सचर बनाया हुआ है, उसमें से आप 110 ml लेंगे। फिर डे थ्री में अब आप ब्रेकफास्ट में भी एक स्कूप फॉरएवर लाइट का 300 ml ऑफ वाटर में आमंड मिल्क में या लाइट सोय मिल्क और कोकोनट मिल्क में लेंगे और इस शेक को एंजॉय करेंगे। तो अब आप देखेंगे डे वन और डे टू में जहां आपने एक बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेन फॉलो किया, डे थ्री में आप एक शेक ले रहे हैं। डे थ्री ऑनवर्ड्स आप मील्स लेंगे विच आर कैलोरी काउंटेड मील्स, राइट। इसके बाद एक्सरसाइज आप 30 मिनट्स की लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें आप स्ट्रेचिंग या वार्म अप कर सकते हैं। देन हम स्नैक्स के बारे में बात करते हैं। अगेन स्नैक्स में आप फॉरएवर फाइबर का एक स्टिक लेंगे विद 250 ml ऑफ वाटर, विच इज लाइक अ मिड मील ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। लंच में आप 2 सॉफ्ट जेल्स लेंगे गार्सिनिया प्लस के वेट करें विद 240 ml ऑफ वाटर। आप 30 मिनट्स के लिए वेट करेंगे और 110 ml मिक्सचर जो है आरजी और एलोवेरा का टोटल मिक्सचर में से 110 ml ले लेंगे। देन अगेन आप एक स्कूप लेंगे फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का 300 ml वाटर में या सोय मिल्क में आमंड मिल्क में या कोकोनट मिल्क में, क्वांटिटी 300 ml और आप इस शेक को एंजॉय करेंगे। सो आपने ब्रेकफास्ट में भी एक शेक लिया था, आपने लंच में भी एक शेक लिया, सो यू फील फुलर नाउ। डिनर में आप 2 सॉफ्ट जेल्स लेंगे गार्सिनिया के, ये आप अर्ली डिनर कर रहे हैं। और अब डे थ्री ऑनवर्ड्स आप 600 कैलोरी मील ले सकते हैं और हमने 600 कैलोरी मील्स के आपके लिए बहुत सारे सजेशंस बनाए जो हमने शेयर भी किए थे जब ये क्लीन नाइन प्रोग्राम फॉलो हुआ था। फॉर एग्जाम्पल डे थ्री में अगर आप वेज कॉम्बो ढूंढ रहे हैं तो आप 2 मीडियम होल व्हीट चपातीज ले सकते हैं, विच इज लाइक 30 grams ईच, एक चपाती शुड बी 30 grams। सो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग दैट यू नो आप जो अपना डाइट लेते हैं उसमें आपके पोर्शन साइजेस बहुत काउंट करते हैं। अगर आप इसी 600, दैट्स व्हाई 600 कैलोरी मील सजेस्ट किया गया है, और अगर आप यही पोर्शन साइजेस डबल कर देंगे तो ये प्रोग्राम की वैलिडिटी उतनी नहीं रह जाएगी, आप वो रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे, इसीलिए मॉडरेशन में आप लेंगे। दैट इज व्हाई यहाँ पे आपने देखा है कि सब कुछ डिटेल में है इस प्रोग्राम के अंदर। आपको ये तक बताया गया है कि आप 30 ग्राम की एक चपाती लेंगे, यानी कि 60 ग्राम की चपाती जो 200 कैलोरीज आपको देती है। फिर आप 60 ग्राम की कुक्ड मूंग या मसूर दाल देंगे लेंगे, मूंग की दाल या मसूर की दाल 60 ग्राम लेंगे जिस जो 208 कैलोरीज की होती है। फिर आप एक बोल भर के लेंगे ऑफ कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स विच इज 150 कैलोरीज। सो इस तरीके से ये नियरली 600 कैलोरीज की आपकी डाइट होती है जो आप लेंगे इन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम्स कुक्ड ब्राउन राइस का ले सकते हैं, स्टीम ब्राउन राइस जिसमें 111 कैलोरीज होती हैं। आप 180 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन का ले सकते हैं विच इज 284 कैलोरीज और एक बोल ग्रीन वेजिटेबल्स का ले सकते हैं विच इज 150 कैलोरीज। सो इन ऑल आप 600 कैलोरी का मील ले रहे हैं, वेदर यू आर चूजिंग अ वेज ऑप्शन और अ नॉन वेज ऑप्शन।
एंड देन लेट इवनिंग आप अपना जो बचा हुआ 110 ml आरजी एलो का मिक्सचर है वो आप लेंगे. सो इजंट इट इजी, आपको हर स्टेप पे आपको यू नो यू कैन सी कि आपको करना क्या है. सो इट्स इजी स्टेप बाय स्टेप. ऑल दैट यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो दिस प्रोग्राम. सो दिस इज अबाउट डाइट ऑफ डे थ्री. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं डे थ्री में. डे थ्री में अब आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप और आप थोड़ा एनर्जाइज फील कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज आप ले सकते हैं बिकॉज यू आर हैविंग अ 600 कैलोरी मील्स. आपने शेक्स भी दो कर दिए हैं ब्रेकफास्ट लंच में. सो लो मीडियम एक्सरसाइज में क्या आता है, बाइक राइड आती है, ब्रिस्क वॉकिंग होती है, स्विमिंग है या वाटर एरोबिक्स है, योगा है, स्टेप एरोबिक्स है, डांसिंग है, ट्रेडमिल है या स्ट्रेचिंग है. ये सारी लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस है, राइट. अगर आप फटीग महसूस करते हैं पहले कुछ घंटों में या आप बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करते हैं तो आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जो रिक्वायर करते हैं एक मेडिकल अटेंशन, राइट. That's why we say that you'll never succeed if you never start off. C9 जो है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी स्टार्ट है आपकी सक्सेसफुल हेल्दी लाइफस्टाइल की. अब हम आते हैं डे फोर के ऊपर. डे फोर में हम क्या कर रहे हैं, डे फोर में अगेन ब्रेकफास्ट में 2 फॉरएवर गार्सिनिया प्लस 240 ml वाटर के साथ लेके 30 मिनट्स का हम ब्रेक करते हैं. हम अपना 330 ml एलो आरजी का मिक्सचर पूरे दिन के लिए रेडी करते हैं जिसमें से 110 ml लेते हैं. हम एक स्कूप लेते हैं अपना फॉरएवर लाइट का 300 ml वाटर आमंड मिल्क सोय मिल्क या कोकोनट मिल्क के साथ और इस शेक को एंजॉय करते हैं. एक्सरसाइज में हम 30 मिनट्स की लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं. देन स्नैक्स में मिड मील में वी यू टेक 1 स्टिक ऑफ फॉरएवर फाइबर 240 ml वाटर के साथ. लंच में हम फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के 2 सॉफ्ट जेल्स लेंगे. वेट करेंगे 30 मिनट्स. वील अगेन हैव हमारे मिक्सचर में से 110 ml ऑफ आरजी एंड एलोवेरा जेल का मिक्सचर. अगेन हम एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का लेंगे विद वाटर आमंड मिल्क सोय मिल्क और कोकोनट मिल्क. देन अर्ली डिनर में हम गार्सिनिया प्लस के 2 सॉफ्ट जेल्स लेंगे. और अब हम एक अगेन डे 4 से डे 3 ऑनवर्ड्स हमने 600 कैलोरी मील्स की शुरुआत की. सो अब हम डे 4 में अपना मील ले सकते हैं. नाउ वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन ओवर हियर. जैसे यू नो यू टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग आप उसी 600 कैलोरी मील्स में वेरिएशन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे वेज मील में आप 100 ग्राम लो फैट पनीर ले सकते हैं जिसमें 86 कैलोरीज हैं अलॉन्ग विद 140 ग्राम स्टीम ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें 45 कैलोरी होती हैं, 1 या 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जिसमें 119 कैलोरीज होती हैं, 1.5 भी होल व्हीट की चपातीज ले सकते हैं 100 कैलोरीज की, या अगर आप राइस ईटर हैं तो आप 100 ग्राम स्टीम्ड वाइट राइस ले सकते हैं जिसमें 151 कैलोरीज हो सकती हैं, या आप लॉन्ग ग्रेन ब्राउन राइस ले सकते हैं जिसमें 111 कैलोरीज होती हैं. सो ये वेरियस वेज ऑप्शंस हैं आपके लिए. नॉन वेज में आप ग्रिल चिकन ले सकते हैं 96 ग्राम विच इज 142 कैलोरीज, 140 grams of steamed vegetables ले सकते हैं जिसमें 45 calories है, 100 grams of steamed white rice ले सकते हैं या long grain brown rice ले सकते हैं. White rice में 151 calories है और brown rice में 111 calories है, और 100 grams of curd ले सकते हैं which is 100 calories. So in all आप जो भी option choose करते हैं 600 कैलोरी मील सजेशन है. 600 कैलोरी से ज्यादा आप नहीं लेंगे. 600 कैलोरी में आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं अलोंग विद द पोर्शन साइजेस कि कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है. और लेट इवनिंग में आप 110 ml आरजी और एलोवेरा जेल का मिक्सचर लेंगे क्योंकि मेन का मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हायर होता है. मेटाबॉलिक रेट आई एम श्योर आपको याद होगा, वो रेट जिसमें आपकी बॉडी फैट बर्न करती है. क्योंकि मेन का मेटाबॉलिक रेट हायर होता है तो वो 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले सकते हैं डे 3 से डे 9 के बीच में, या वो एक एडिशनल शेक ले सकते हैं या वो एडिशनल 200 कैलोरीज अपने मील में ऐड कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स द डाइट ऑफ डे 4. एंड अगेन डे 4 में हमारा एक्सरसाइजेस लो टू मीडियम इम्पैक्ट रहेंगी जो हमने अभी डिस्कस की थी, ब्रिस्क वॉकिंग, बाइक राइडिंग, स्विमिंग, योगा, डांसिंग, ट्रेडमिल, स्ट्रेचिंग, राइट. सो
सो हमारा डे फोर इससे कंप्लीट होता है एंड यू नो वी से दैट मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. सो आप मोटिवेट हुए, आपने शुरुआत की C9 प्रोग्राम की, लेकिन आपको इसको 9 days कंटिन्यू करना है. और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अगर आप इसकी हैबिट बनाना चाहते हैं सो जस्ट keep on you know following the plan of all the coming few days also, right? Ab hum day 5 pe aate hain aur day 5 diet ki baat karte hain. Day 5 mein breakfast pe aap lenge 2 soft gels forever garcinia plus ke, wait karenge 30 minutes. Again aap 110 ml rg aur aloe vera gel ka mixture lenge, ek scoop forever light ka lenge in water, almond milk, soy milk or coconut milk. आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे एंड स्नैक्स में यानी कि मिड मील में आप एक स्टिक फॉरएवर फाइबर की लेंगे. लंच में अगेन आप 2 सॉफ्ट जेल्स गार्सिनिया प्लस की लेंगे, वेट करेंगे एंड देन रिमेनिंग 110 ml एलोवेरा आरजी जेल का मिक्सचर लेंगे. आप अपना शेक रिलिश करेंगे जैसे आपने ब्रेकफास्ट में लिया था, एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का. एंड देन डिनर में आप 2 सॉफ्ट जेल्स फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के लेंगे. आप 600 कैलोरी मील लेंगे, मेन कैन हैव 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा. और यहाँ पे वेज मील कॉम्बो में आपके पास एक और ऑप्शन है, आप 30 ग्राम की होल व्हीट चपाती ले सकते हैं, 30 ग्राम कुक्ड मूंग दाल ले सकते हैं. पहला 100 कैलोरीज का है, फिर 104 कैलोरीज है. देन एक बोल आप ग्रीन वेजिटेबल्स का ले सकते हैं, आप दाल रोटी इंजॉय कर सकते हैं, सब्जी इंजॉय कर सकते हैं. आप 1 या 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज 119 कैलोरीज. देन नॉन वेज ऑप्शन में आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, विच इज 109 कैलोरीज, 85 ग्राम. 140 ग्राम आप स्टीम वेजिटेबल्स ले सकते हैं. And then 100 ग्राम स्टीम व्हाइट राइस ले सकते हैं, विच इज 151 कैलोरीज. या अगर आप ब्राउन राइस लेना चाहें तो आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं 100 ग्राम, विच इज 111 कैलोरीज. तो अगेन यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग मील ऑप्शंस इन बोथ वेज एंड नॉन वेज, जो 600 कैलोरी मील ऑप्शंस है जो आपको डे 5 में मिलते हैं. एंड लेट इवनिंग में डोंट फॉरगेट टू हैव योर रिमेनिंग 110 ml आरजी और एलोवेरा जेल का मिक्सचर. डे 5 में अगेन हम जैसे हमने बोला था डे 3 से डे 9 तक हम लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करेंगे. सो डे 5 में अगेन हम लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करेंगे. सो अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने सिस्टम को क्लेंस कर सकते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की फाउंडेशन बनाना चाहते हैं. अब हम डे 6 पे आते हैं. डे 6 पे अगेन ब्रेकफास्ट हमारा सेम रहेगा, 2 सॉफ्ट जेल्स गार्सिनिया प्लस, 30 मिनट्स वेट किया हमने, 110 ml आरजी और एलोवेरा जेल का मिक्सचर लिया और उसके बाद हमने एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का लिया विथ 300 ml वाटर, आमंड मिल्क, सोया मिल्क और कोकोनट मिल्क. इजंट इट इजी एंड इट्स वेरी फिलिंग ऑल्सो. देन 30 मिनट्स की एक्सरसाइज हमने की, फिर हमने मिड मील में स्नैक में एक स्टिक लिया फॉरएवर फाइबर का. लंच पे हमने 2 सॉफ्ट जेल्स गार्सिनिया प्लस के लिए 30 मिनट्स वेट किया, आरजी और एलोवेरा जेल का हमने मिक्सचर लिया, हमने एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का लिया जैसे हमने ब्रेकफास्ट में लिया था. वी आर फुल फॉर लंच, राइट? एंड देन फॉर द डिनर हमने 2 सॉफ्ट जेल्स लिए फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के विद 240 ml ऑफ वाटर. और अब हमारे पास एक और ऑप्शन रेडी है ऑफ 600 कैलोरी मील. वेज पे आप 100 ग्राम कुक मूंग दाल ले सकते हैं और दाल चावल ले सकते हैं एंड 100 ग्राम्स ऑफ स्टीम व्हाइट राइस या लॉन्ग ग्रेन ब्राउन राइस ले सकते हैं. सो यू वांट नाउ इंस्टेड ऑफ रोटी यू कैन हैव दाल चावल फॉर डिनर. एंड नॉन वेज में आप चिकन बिरयानी ले सकते हैं एंड आप स्टीम ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं. सो दिस इज व्हाट यू कैन टेक. So that's about the dinner. And then late evening में आप again अपना 110 ml RG और aloe vera gel का mixture enjoy कर सकते हैं. That's about diet of day 6. Exercise routine हम same follow करेंगे day 6 में. Low to medium impact exercises, walking, swimming, riding, yoga, aerobics, dancing, treadmill, stretching. Right? याद रखिए आपके आज के actions जो हैं वो आप
आपको कल के रिजल्ट्स देंगे. टुडेज एक्शंस आर टुमारोज रिजल्ट्स. सो इट्स बिकमिंग इंटरेस्टिंग बाय एवरी पासिंग डे. एंड आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे बिकॉज यू नो आप लाइटर महसूस करना शुरू कर देंगे. डे 7 के हम मील प्लान पे आते हैं. अगेन वी रिपीट द सेम मील प्लान. ब्रेकफास्ट में गार्सिनिया प्लस 2 सॉफ्ट जेल्स, 110 ml ऑफ आरजीएन एलोवेरा जेल मिक्सचर एंड देन 1 स्कूप ऑफ फॉरएवर लाइट अल्ट्रा. आपके बेवरेजेस में से जो यहाँ पे मेंशन है, एक्सरसाइज ऑफ 30 मिनट्स, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, देन स्नैक्स में हमने एक स्टिक फॉरएवर फाइबर का लेंगे. लंच में अगेन हम सेम एज ब्रेकफास्ट 2 सॉफ्ट जेल्स फॉरएवर गार्सिनिया प्लस, वेट करेंगे 30 मिनट्स एंड 110 ml ऑफ आरजी एंड एलोवेरा जेल मिक्सचर एंड अगेन 1 स्कूप ऑफ फॉरएवर लाइट अल्ट्रा with water, almond milk, soy milk or coconut milk, 300 ml, right? Then for dinner, we have again 2 soft gels of Garcinia Plus, 600 calorie meal ka suggestion. Now we have a different meal suggestion. Veg mein aap 50 grams soy nuggets, soya nuggets le sakte hain, 140 grams steamed green vegetables le sakte hain. ऑलिव ऑयल 1-2 टेबल स्पून में आप इसको सॉटे कर सकते हैं, या आप डेढ़ मीडियम होल व्हीट चपाती ले सकते हैं, या आप स्टीम वाइट राइस ले सकते हैं अलॉन्ग और ब्राउन राइस ले सकते हैं, राइट. आप सोया का पुलाव भी बना सकते हैं ओवर हियर बिकॉज यू आर हैविंग सोया नगेट्स एंड राइस का ऑप्शन ओवर हियर. सो यू कैन मेक सोया, सो यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग अपने 600 कैलोरी मील को. नॉन वेजिटेरियन में आप अगेन ग्रिल फिश, ग्रिल चिकन ले सकते हैं, ग्रीन वेजीज ले सकते हैं विच आर 140 ग्राम्स, 100 grams of white rice ले सकते हैं और brown rice ले सकते हैं with 100 grams of curd. Calories इन सब की हमने mention की हुई है यहाँ पे और आपको भी जो instruction manual आता है उसमें exactly ऐसे ही detailed plan आता है with options ताकि आपको सोचना ना पड़े, आप परेशान ना हो कि आज हम क्या बनाएं, right? Along with the portion sizes, along with the calorie count. और लेट इवनिंग में अपना रिमेनिंग 110 ml आरजी और एलोवेरा जेल का मिक्सचर आप लेते हैं. सो दैट्स अबाउट डे 7 एंड एज आई मेंशन मेन कैन हैव 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा सिंस दे हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट फ्रॉम डे 3-9. अब हम डे 7 के एक्सरसाइज पे आते हैं. अगेन लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस एंड यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस एक्सरसाइज रूटीन को बना के रखें. हम ये ना सोचेंगे चलो आज स्किप आउट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट अबाउट हाउ यू मूव, इट्स अबाउट दैट यू मूव. आपको मूव करना है, आपको अपने इस मोटिवेशन को, इस एंथुजियाज्म को, आप जो ये फॉलो कर रहे हैं इसको बना के रखना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद इट. दैट्स व्हेन यू सी रियल रिजल्ट्स. अब हम डे 8 की डाइट पे आते हैं. वी रिपीट द सेम डाइट, ब्रेकफास्ट गार्सिनिया प्लस आरजी एंड एलोवेरा जेल एंड फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, एक्सरसाइज, स्नैक्स में एक स्टिक फॉरएवर फाइबर की, लंच में सेम एज ब्रेकफास्ट गार्सिनिया आरजी एंड एलो का 110 ml का मिक्सचर एंड 300 ml ऑफ फॉरएवर लाइट अल्ट्रा विद योर बेवरेज ऑफ योर चॉइस जो यहाँ मेंशन है. एंड डिनर में अर्ली डिनर इज गार्सिनिया प्लस एंड योर 600 कैलोरी मील्स. इट कैन बी चपाती, दाल, सब्जी जो आप ले सकते हैं. देन आप 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल अपने दाल में तड़का लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. देन नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में यू कैन हैव ग्रिल्ड फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स और स्टीम वाइट राइस या ब्राउन राइस, ये आपके पास चॉइसेस हैं. एंड देन नॉट टू फॉरगेट हैविंग आर 110 ml ऑफ आरजी एंड एलोवेरा मिक्सचर. So that's about a diet of day 3 and low to medium exercises, walking, riding, swimming, dancing, treadmill, yoga, aerobics, hum continue karenge, right? So agar aap kisi bhi excuse ke bare mein soch rahe hain ki aaj aap miss kar dein, skip kar dein, don't even think about it. Be stronger than your excuses and then you'll see real results. And then we come to the final day, which is day 9 of the Clean 9 program. हम सेम अपना रूटीन फॉलो करते हैं. ब्रेकफास्ट में गार्सिनिया प्लस और आरजी एलोवेरा जेल मिक्सचर अलॉन्ग विद फॉरएवर लाइट अल्ट्रा. वी एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स. वी हैव फॉरएवर फाइबर एज अ मिड मील इन स्नैक. लंच में अगेन एज सेम एज ब्रेकफास्ट हम रिपीट करते हैं. डिनर में हमारा गार्सिनिया प्लस है और वेज में हम क्या चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं.
And non-veg mein hum chicken biryani lete hain. So this is another option that you get over here. And late evening, we'll have 110 ml of arginine aloe vera gel mixture. So that's about diet of day 9, right? और अब हम एक्सरसाइज फॉलो करते हैं डे 9 की लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस. सो नाउ यू हैव नोटिस दैट 9 दिनों में आपने मेहनत से काम किया, बड़ा सपना देखा अपनी बॉडी को टॉक्सिन्स से क्लीन करने का, एक लाइफस्टाइल चेंज लाने का, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाने का, एंड यू हैव नॉट गिवन अप. सो वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, एंड तभी आप देखेंगे रियल रिजल्ट्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने C9 प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है. 9 days फीलिंग फुल, रिमूविंग ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, और शुरुआत की है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की. अब आप ले सकते हैं अपने फाइनल मेजरमेंट. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर इस प्रोग्राम के दौरान आप वीकनेस महसूस करते हैं या आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ साथ फिजिशियन से जरूर मिलें अगर आपको किसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है बिफोर यू डू द प्रोग्राम और ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में अगर आपको इस प्रोग्राम के दौरान बीच में भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्री फूड्स की लिस्ट है जो आप ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में. इनको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं. ये बहुत लो इन कैलोरीज है, इनका स्पेसिफिक सर्विंग साइज नहीं है. सैलेड के फॉर्म में आप ले सकते हैं, जैसे कि रॉकेट लीव्स है, ग्रीन अनियन, हरा प्याज है, लेटस है, सैलेड लीव्स जो होती हैं, ब्रोकली है, क्यूकम्बर है, खीरा जिसको आप ले सकते हैं, सेलरी है जिसको आप ले सकते हैं, शलारी के नाम से जो जाना जाता है, राइट. केल है, कैबेज की तरह होता है, ये आप ले सकते हैं. पालक ले सकते हैं या हरी सेम, स्ट्रिंग बीन्स आप ले सकते हैं. आप इन्हें रॉ लेना चाहें ले सकते हैं, या आप इनको स्टीम करके लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. तो ये फ्री फूड्स हैं, इनमें से आप अपने लिए जो फ्री फूड लेना चाहें, जब भी आपको बीच में बिसाइड्स द डाइट प्रोग्राम जो आपको दिया गया है आपको भूख लगती है, तो आप इनको जरूर ले सकते हैं. यू आर फ्री टू हैव दीज फूड्स इन अनलिमिटेड अमाउंट ड्यूरिंग दीज 9 days, day 1 to day 9, राइट. सो दैट्स अबाउट द C9 प्रोग्राम. बट कुछ जनरल प्रिकॉशंस जिनका हमें ध्यान रखना है, नोट कीजिए, जो फिट प्रोग्राम है C9 और 15, ये ऐसे कोई व्यक्ति इनको ना ले करें जिनको डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, एपिलेप्सी है, हार्ट डिजीज है या डिमेंशिया है. प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस प्रोग्राम को ना करें, और ये बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है. अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो आप अपने डॉक्टर को, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करें बिफोर यू बिगिन दिस प्रोग्राम. सो दीज आर द जनरल प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक जब आप इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. सो वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट आवर हेल्थ. ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो बहुत ज्यादा ओबीस या बहुत ज्यादा अंडरवेट है. आप अपने BMI को चेक करेंगे और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे बिफोर चेंजिंग योर डाइट एंड एक्सरसाइज रिजीम, क्योंकि आप एक ड्रास्टिक चेंज ला रहे हैं अपने ईटिंग हैबिट्स के अंदर, अपने लाइफस्टाइल पैटर्न के अंदर. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना BMI चेक कराएं और साथ ही साथ डॉक्टर को कंसल्ट करें बिफोर यू बिगिन दिस. कैसे इसको करना है अभी हमने बताया, लेकिन यही सारी चीजें आपको C9 बुकलेट में मिलती हैं. दैट्स व्हाई वी से दैट यू नो दिस इज अ वेरी इजी टू फॉलो प्रोग्राम. आपको जो करना है आपको लिखा है, आपको क्या करना है आपको सिर्फ इसको फॉलो करना होता है. सो किक स्टार्ट कर सकते हैं आपने न्यूट्रिशन की. सो व्हाट्स इंक्लूडेड इन C9, आई एम श्योर अभी तक आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है. C9 किट है, इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल किट बनाई गई है. उसमें वो सारी चीजें हैं जो इस प्रोग्राम में आपको रिक्वायर्ड है. द फॉरएवर C9 किट में इंक्लूडेड है फॉरएवर एलोवेरा जेल ट्राईपैक 3 क्वांटिटी में, RG प्लस आपको मिलेगा, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस मिलेगा, फॉरएवर फाइबर मिलेगा, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा मिलेगा, और आपकी इंफॉर्मेशन बुकलेट जो आपको डिजिटल फॉर्म में भी मिल सकती है या आपको हार्ड कॉपी में भी मिल सकती है. तो हम बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट की, एंड लेट्स टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट गोल्स. हम
हमें हम क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव आवर वेट मैनेजमेंट गोल्स. सो सबसे पहली चीज, अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव हेल्दी गट हेल्थ, यानी कि आपका जो पेट की हेल्थ है वो सेहत है वो हेल्दी होनी चाहिए. कहा जाता है कि आपकी जो गट हेल्थ होती है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताती है. हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है ये इफेक्ट करता है हमारा वेट, और इसी की मदद से यही इन्फ्लुएंस करता है डाइजेशन ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग. तो हम जो खा रहे हैं वो कैसे हमारे हमारा सिस्टम ले रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है वो गट हेल्थ पे निर्भर करता है. सो बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट गोल को अचीव करना चाहें तो सबसे जरूरी है कि आपका गट हेल्थ हेल्दी हो, राइट. दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके वेट मैनेजमेंट गोल को अचीव करने के लिए इज हाई मेटाबॉलिज्म. जितना अधिक आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतनी ही आप कैलोरीज बर्न करेंगे और उतना ही आसान आपके लिए वेट लूज करना होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन राइट नाउ. लेट्स फिनिश विद द सेशंस, और आप अपने क्वेश्चन मुझे बाद में भेज सकते हैं बिकॉज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा इफ आई स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन राइट नाउ, राइट. सो कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, हमारे वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इज अ वेरी हाई हेल्दी गट हेल्थ. नंबर टू, बहुत अच्छा मेटाबॉलिक रेट, यानी कि वो रेट जिसपे हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है, जो हमें वेट लूज करने में मदद करता है. अब हम आते हैं तीसरी जरूरी चीज पे, और तीसरी जरूरी चीज है न्यूट्रिएंट डेंस फूड. कई बार कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो लैक करते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस फैट प्रोडक्शन होता है. जैसे क्रोमियम एक ऐसा ही न्यूट्रिएंट है. तो हमारा जो फूड इनटेक होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, राइट. सो ये तीसरा फॉर्मूला है अगर हम अपने वेट मैनेजमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं. देन द फोर्थ फॉर्मूला इज एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर. फाइबर आपकी डाइट में होना चाहिए. फाइबर जो होता है वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड होता है, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसका डायरेक्ट लिंक ओबेसिटी के साथ होता है. सो फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइट. कल हमने जब गुड कार्ब्स के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी भी देते हैं और फाइबर भी देते हैं. सो फाइबर अगेन आपके गट हेल्थ के साथ भी एसोसिएटेड है और आपके डाइजेशन के साथ भी एसोसिएटेड है. तो ये चौथा फॉर्मूला है अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. एंड लेट्स सी नंबर फाइव पे क्या है, विच इज प्रोटीन इनटेक. प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी एपिटाइट हमारी भूख को कम करता है, और हमारे बहुत सारे वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनको चेंज करता है. तो अगर आपको याद हो तो कल हमने बात की थी कि वो लोग जिनका जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और जिनका मसल मास ज्यादा होता है वो ज्यादा जल्दी कैलोरीज बर्न करते हैं. तो प्रोटीन हमारे मसल मास को इंक्रीज करने में भी मदद करता है. सो एक अच्छी गट हेल्थ, एक अच्छा मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट से भरा खाना, खूब सारा फाइबर हमारे खाने में, और प्रोटीन, ये पांच फॉर्मूला है अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं. और फॉरएवर में आपको इन पांचों फॉर्मूला का एक सोल्यूशन मिलता है जो आपको अपने C9 किट के अंदर मिलता है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक हेल्दी गट हेल्थ की, और जब हम एक अच्छी गट हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट आता है फॉरएवर का, विच इज फॉरएवर एलोवेरा जेल. यानी कि बिल्कुल ऐसा जेल जैसा लगता है कि आपने अभी एलोवेरा लीफ को स्लाइस किया और उसके अंदर से आप जेल ले रहे हैं. जैसे कि हम जानते हैं एलोवेरा इन जनरल जाना जाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. ये हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से हटाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डालता है, और अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रमोट करता है. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें एनर्जी लेवल्स देते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और स्टमक अल्सर्स को क्योर करते हैं.
ये साथ ही साथ एलोवेरा इन जनरल एसिड रिफ्लक्स को सूथ करता है, यानी कि एसिडिटी को सूथ करने में मदद करता है। तो ये इस तरीके से एलोवेरा जेल मदद करता है। एलोवेरा जेल जाना जाता है हमारे मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए। ये हमारे ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये हमारे वेट को रेगुलेट करता है टॉक्सिन्स को रिमूव करके, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के। तो ये एलोवेरा के फायदे हैं। फॉरएवर का एलोवेरा जेल जो है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, आपके सिस्टम को क्लीन करता है, बेटर अब्सॉर्प्शन देता है न्यूट्रिएंट्स का आपके सिस्टम के अंदर और आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे C9 का प्रोडक्ट किट का हिस्सा है। सो फॉरएवर में भी आपको एलोवेरा जेल मिल रहा है और ये एलोवेरा जेल आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स में आपको सपोर्ट करता है। देन क्या इंक्लूडेड है दूसरा प्रोडक्ट C9 किट के अंदर? द सेकंड प्रोडक्ट इज RG+। अब हम बात कर रहे थे फॉर्मूला टू अचीव अ वेट मैनेजमेंट गोल। जब हमने हेल्दी गट हेल्थ की बात की तो हमने देखा कि हाउ द एलोवेरा जेल हेल्प्स इन सपोर्टिंग अ हेल्दी गट हेल्थ। अब हम हाई मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं एंड वी हैव दिस वंडरफुल प्रोडक्ट जो ना ही सिर्फ गट हेल्थ को सपोर्ट करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है एंड दैट्स L-arginine। L-arginine एक एमिनो एसिड होता है जिसको साइंटिस्ट मिरेकल मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये एक एमिनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बिल्ड करता है और ये प्रोटीन जो होता है ये मसल को बिल्ड करता है और टिश्यू को रीबिल्ड करता है। L-arginine ज्यादातर प्रोटीन रिच खानों में पाया जाता है, जैसे कि फिश हो गया, रेड मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, सोय हो गया, होल ग्रेन्स, बीन्स या डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन इनके अंदर जो L-arginine होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, हमारी बॉडी को इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए L-arginine को हम ओरली भी एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है, हमारी बॉडीज L-arginine को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड वेसल्स को ओपन और रिलैक्स करने में मदद करता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स को जो है नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हार्ट की को भी प्रोटेक्ट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जो मदद करता है बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर और सर्कुलेटरी कंडीशंस में। और जो ग्रेटर ब्लड फ्लो होता है ये सपोर्ट करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इन आवर बॉडी, हमारे को बॉडी के फंक्शंस में सपोर्ट करता है। तो L-arginine को आप वेट मैनेजमेंट में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, ये एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है और L-arginine में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं रेगुलरली। साथ ही साथ L-arginine मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, ये वेट लॉस में एड करता है टू इम्प्रूव फैट एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। तो L-arginine बेनिफिट करता है और फॉरएवर में आपको RG+ मिलता है जिसमें आपको L-arginine के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने एक्टिव लाइफस्टाइल को फ्यूल कर सकते हैं विद फॉरएवर RG+, राइट? ये प्योर पावर पैक्ड है विद डुअल बेनिफिट जब आप इसको एलोवेरा जेल के साथ कंबाइन करते हैं। तो आप अपने फिटनेस गोल को पावर कर सकते हैं एक परफेक्ट बैलेंस RG+ और एलोवेरा जेल का, जो आपको बेहतर दिखने और बेहतर महसूस करने में मदद करता है, क्योंकि ये आपके हेल्दी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करेगा, आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन करेगा और मेक और इंश्योर करेगा कि आपकी बॉडी RG+ की बेनिफिट्स को अवेल कर सके, राइट? आपने देखा था जब हमने डाइट डिस्कस की थी तो हमने 330 ml ऑफ एलोवेरा जेल में, यानी एलोवेरा मिनी में एक पैकेट RG+ का हमने डाला था और इसको 3 बार दिन में 110 ml कंज्यूम किया था। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, न्यूट्रिएंट का बेटर अब्सॉर्प्शन दे रहा है और इसका कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज कर रहा है, राइट? सो दैट्स RG+ जो आपकी वेट लॉस गोल्स में आपको मदद करता है। देन वी टॉक ऑफ नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट
और जो आपने C9 में देखा था प्रोग्राम में हमने यूज किया है इन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर व्हिच इज फॉरएवर गार्सिनिया प्लस. फॉरएवर गार्सिनिया प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. नॉट ओनली ये एपेटाइट को सप्रेस करता है बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो यू नो हमारे हमारे वेट लॉस गोल्स में मदद करता है. सो हमने तीसरे फॉर्मूले की बात की थी न्यूट्रिएंट डेंस फूड और हमने बात की थी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट जो होता है वो फैट प्रोडक्शन कॉज करता है. सो गार्सिनिया प्लस कम्स हियर टू सपोर्ट अस. फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को और वेट मैनेजमेंट गोल को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अभी है क्या गार्सिनिया प्लस? गार्सिनिया कंबोजिया जो है इसको हम मैलाबार टैमरिन के नाम से भी जाना जानते हैं जो एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट है इसके अंदर. ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी डाइटरी सप्लीमेंट होता है गार्सिनिया कंबोजिया. आप पिक्चर में भी यहाँ बॉटल के पास गार्सिनिया कंबोजिया देख रहे हैं यहाँ पे. इस फ्रूट का गार्सिनिया कंबोजिया का जो राइंड होता है ऊपर का छिलका होता है इसको ड्राई किया जाता है और इसको यूज किया जाता है एक पदार्थ बनाने के लिए जो बहुत सिमिलर होता है साइट्रिक एसिड जैसा जो कि ऑरेंजेस या बहुत सारे सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है. गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है? गार्सिनिया कंबोजिया हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स से जो फैट बनते हैं उनके प्रोडक्शन को रोकता है, कंट्रोल करता है, टेम्परेरी कंट्रोल करता है. साथ ही साथ क्रोमियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है. कई बार हमें पता भी नहीं चलता हमारी बॉडी में क्रोमियम डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत फटीग महसूस होता है और एक्सेस फैट प्रोडक्शन होने लगता है. गार्सिनिया कंबोजिया में एक इंग्रेडिएंट होता है क्रोमियम पिकोलिनेट जो आपके शुगर को ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी उसको यूज कर सके, राइट, और आपकी वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करता है. इसके फायदे क्या है? गार्सिनिया प्लस एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है. ये टेम्परेरली इनहिबिट करता है एंजाइम को जो कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करते हैं. ये हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं खाने की उनको रिड्यूस करता है और हमारे एपेटाइट को खाने को भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है. और ये डिजाइन किया गया है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और हमारे वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट. सो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस अगेन अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो आपको मिलता है C9 के अंदर जो अभी हमने देखा जो आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करता है. न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है ये. देन We talk of another very important product जो हमने बात की थी कि आप इसको स्नैक की तरह ले सकते हैं. फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और हमारे वेट मैनेजमेंट गोल अचीव करने के चौथे फॉर्मूला का ये चौथा फॉर्मूला है विच इज एडिक्वेट इनटेक ऑफ फाइबर. और जैसे कि हम जानते हैं फाइबर जो होता है वो जो एसोसिएटेड होता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ, हमारे कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है. तो फॉरएवर फाइबर के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं इन जनरल अबाउट फाइबर. फाइबर एक इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है प्लांट फूड का सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन, बीन्स और लेग्यूम्स. इनका ये इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है. ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे सिस्टम को हेल्दी रखता है. कई बार हम जल्दी में खाने को ढूंढ रहे होते हैं और कन्वीनियंट खाना ढूंढ रहे होते हैं तो हम ऐसा खाना लेते हैं विच आर हाई ऑन कार्ब्स, नॉट गुड कार्ब्स, और जिनमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर नहीं होता जो जरूरी होता है हमारी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छा फाइबर लें, एडिक्वेट इनटेक लें फाइबर का, क्योंकि ऐसा करने पे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी हार्ट डिजीजेस की रिस्क रिड्यूस होती है, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कम होते हैं, ओबेसिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स और वेट मैनेजमेंट में ये मदद करता है. तो फाइबर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है.
फाइबर करता क्या है, एक हाई फाइबर डाइट जो है जो हमारे बाउल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करती है, नॉर्मलाइज करती है, ये हमारी बाउल हेल्थ को मेंटेन करती है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करती है। और साथ ही साथ एक अच्छी फाइबर से भरपूर डाइट जो होती है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है, ये एक हेल्दी वेट देने में हमें मदद करती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो होती है उनका रिस्क रिड्यूस करती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। कैसे? इनडायरेक्टली थ्रू आर डाइजेस्टिव फंक्शन। सो ये ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन को में सुधार लेके आती है और हेल्दी बनाती है। फॉरएवर में आपको फाइबर मिलता है विच इज ग्लूटेन फ्री वाटर सॉल्युबल फाइबर पाउडर, आपको 5 grams ऑफ फाइबर पर स्टिक पैक मिलता है। हर पैकेट जो है फाइबर का, हमने स्नैक में फाइबर लिया था तो हर पैकेट जो फाइबर का है वो आपको एग्जैक्टली उतना फाइबर देता है जैसे कि 1.5 cup ब्राउन राइस का या 2 slices होल व्हीट ब्रेड के विदाउट एनी कैलोरीज और कार्ब। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जितना फाइबर आपको 1.5 cup ब्राउन राइस में मिलेगा या 2 slices होल व्हीट ब्रेड में मिलेगा उतना आपको 5 grams ऑफ फाइबर पर स्टिक मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा इन बिटवीन मील चॉइस है और ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, कोई कैलोरीज नहीं है, कोई कार्ब्स नहीं है और ये बहुत हेल्दी डाइजेस्टिव फंक्शन को सपोर्ट करता है, ये एक हेल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। फॉरएवर फाइबर डिजाइन किया गया है आपको प्रोवाइड करने के लिए, कन्वीनियंट तरीका है आपके ऑप्टिमल फाइबर इनटेक को लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है, आप इसको फॉरएवर एलोवेरा जेल में भी मिक्स करके ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, आसानी से घुलता है, बहुत हल्का सा टेस्ट है, ग्लूट फ्री नहीं है और ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट आपकी वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, आपको एडिक्वेट फाइबर इनटेक देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है एंड आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देन वी टॉक ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट इन आर C9 किट विच इज फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा हमारे वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला में फिट बैठता है, 5th फॉर्मूला में विच इज प्रोटीन इनटेक। ये प्रोटीन इनटेक जो होता है जैसे मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एपिटाइट को रिड्यूस करता है और बहुत सारे वेट चेंजिंग रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा एक परफेक्ट एडिशन है हमारे फॉरएवर लिविंग के लाइफस्टाइल में। ये नई थिंकिंग, नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करता है और आपको एक बहुत ही हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अचीव करने में मदद करता है। फायदे क्या है? एक बहुत डिलिशियस शेक है, डिलिशियस प्रोडक्ट है, वर्सेटाइल है और आप ये वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन है, इट्स अ वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन जो आप अपनी बॉडी को फीड कर सकते हैं। इसमें आपको 13 grams ऑफ सोय प्रोटीन मिलता है पर सर्विंग। ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है पोषण तत्वों का, एनर्जी का, स्टैमिना और मसल सपोर्ट का, राइट? ये आपको जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती हैं खाने की, जो भूख लगती है उसमें प्रोटेक्ट करता है और आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। ये इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स। अनलाइक अदर ड्रिंक्स ये ब्लोटिंग कॉज नहीं करता। कई बार आप प्रोटीन ड्रिंक्स लेते हैं ये वो प्रोटीन वो आपको ब्लोटिंग कॉज करते हैं, ये ब्लोटिंग कॉज नहीं करता। ये लो होता है फैट और सैचुरेटेड फैट पे, इसमें 0 cholesterol है, ये इसमें बिल्कुल कोई लैक्टोज नहीं है। ये एक हेल्दी और डिलिशियस वे है टू स्टे फुल और ये परफेक्टली फिट होता है आपके एक लो कार्ब लाइफस्टाइल के अंदर। ये एक बहुत अच्छा स्नैक है जो आपको वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर में मिलता है, जिसको आप मिल्क में या नॉन डेरी सब्स्टिट्यूट्स में मिक्स कर सकते हैं। सो दैट्स फॉरएवर लाइट अल्ट्रा फॉर यू। सो वो प्रोडक्ट्स जो हमारे वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं, हेल्दी गट हेल्थ हमें मिलती है फॉरएवर एलोवेरा जेल से और RG प्लस से, हाई मेटाबॉलिक रेट हमको RG प्लस से मिलता है, हमारा ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है फॉरएवर गार्सिनिया प्लस, साथ ही में ये एक एपिटाइट सप्रेसेंट भी है।
एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर हमें मिलता है फॉरएवर फाइबर से, साथ ही साथ ये फॉरएवर फाइबर हमें हेल्दी गट हेल्थ भी देता है। और अगर हम प्रोटीन इनटेक की बात करें, वेजिटेरियन सोय प्रोटीन जो ब्लोटिंग कॉज नहीं करता, विच दैट इज फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो हमें वेट मैनेजमेंट गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। हमने बात की C9 प्रोग्राम के बारे में, हमने बात की C9 किट के बारे में, और इस किट में आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन मिलता है टू लूज वेट, और एक बहुत अच्छी शुरुआत टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और हमने इंडिया में इसी चीज के बारे में बात की, एंड वी थ्रू अ C9 चैलेंज, फॉरएवर ने एक C9 चैलेंज थ्रो किया था जिसका टैगलाइन था द बिगेस्ट लूजर विंस, यानी कि एक ऐसा चैलेंज था जिसमें जो सबसे ज्यादा खोता है वो सबसे ज्यादा पाता है, एंड दैट वाज अबाउट वेट। तो ये C9 चैलेंज था क्या? C9 चैलेंज एक 9-day चैलेंज था जो फॉलो किया गया। ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो चीजें हम अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये वो चीजें नहीं है जो हम एज हम जिसके बारे में आपको सिर्फ प्रमोट करें, ये वो चीजें हैं जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हैव सीन विजिबल रिजल्ट्स। सो C9 चैलेंज में ऐसा ही कुछ हुआ था, ये एक 9-day चैलेंज था जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को एक C9 किट को परचेज करना था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, टू गेट इट स्टार्टेड। ये फरवरी के महीने में बड़े एंथुजियाज्म के साथ 5 फरवरी को शुरुआत हुआ था। इस C9 चैलेंज में 511 लोगों ने रजिस्टर किया जिसमें से 270 लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पार्टिसिपेट किया ऑल अक्रॉस इंडिया। हर पार्टिसिपेंट को डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में एक बहुत ही क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप के थ्रू बताया जाता था, यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले कि आपने ब्रेकफास्ट लिया, ये आपको ब्रेकफास्ट में लेना है, मिड मील से पहले, आपके स्नैक्स से पहले फेसबुक ग्रुप के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती थी। सेम विद लंच फॉलो अप्स होते थे, डिनर एंड पोस्ट डिनर। पार्टिसिपेंट्स को इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपनी डेली एक्टिविटीज का वीडियो भी शेयर करना होता था, और जो अपडेट्स होती थी वो पार्टिसिपेंट्स डालते थे। सो पार्टिसिपेंट अपनी एक्टिविटीज और अपडेट्स शेयर करते थे इस क्लोज ग्रुप के अंदर। सो टोटल वेट लॉस क्या था? एवरेज वेट लॉस 4.5 kg हुआ इस चैलेंज के अंदर। सो आई जस्ट स्पोक की 270 लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, 511 लोगों ने रजिस्टर किया था, बट 270 पीपल वर द वंस हु रियली एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड हु फॉलोड ऑल द रूल्स ऑफ द चैलेंज। एवरेज वेट लॉस था 4.5 kg 9 दिन के अंदर। टोटल वेट लॉस वॉज अप्रोक्सीमेटली 1200 kg। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 9 दिनों में 1200 kg वेट लॉस हुआ था विद अमंगस्ट ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स टोटल, मैं अगर आपको बताऊं। और अगर हम टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत रिलीजियसली और डेलिजेंटली इसको फॉलो किया, उनका एवरेज वेट लॉस वॉज 14.4 kg। 14.4 kg in 9 days. Imagine आपके system में कितनी cleaning हुई होगी, removal हुआ होगा of all the toxins. So हमारे top 5 winners थे, ये कौन थे? हमारे top 5 winners में number 5 पे थे Mr. Rajiv Mehta, जिन्होंने 10.95 kg lose किया था। Number 4 पे थे Mr. Krishan, जिन्होंने 11.15 kg रिड्यूस किया था वेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राजीव एंड मिस्टर कृष्ण, अमेजिंग। देन वी हैड मिस्टर शुभम शर्मा, जिन्होंने 11.2 kg लूज किया था इन 9 days के अंदर। वी हैड मिस्टर राकेश यादव, हु लॉस्ट 11.4 kg, हु वाज एट नंबर 2 पोजीशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शुभम एंड मिस्टर राकेश, अमेजिंग। एंड देन The number 1 winner was Mr. Bharat Gupta, jinhone 15.95 kg weight lose kiya tha in a span of 9 days, who followed the C9 program. So many congratulations first of all to all the people jinhone isme participate kiya, and ये मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस इज रियल एंड दीज आर रियल रिजल्ट्स जो हमने एक्सपीरियंस किए, विटनेस किए अमंगस्ट ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं और इसकी इन्होंने शुरुआत की विद द C9 चैलेंज। तो अगर आप अपने सफर की शुरुआत करना चाहते हैं टू गुड हेल्थ, आप भी C9 प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं।
C9 प्रोग्राम में आपको मिलते हैं ये पांच प्रोडक्ट्स जिनमें आपको 1.125 सीसीज मिलते हैं। टोटल कॉस्ट जो है 11,797 की है, बट सिंस आप इसको C9 किट को आप लेते हैं टू स्टार्ट विद योर C9 प्रोग्राम, इंस्टेड ऑफ 1.125 सीसी आपको इसमें एडिशनल सीसीज मिलते हैं। अगर आप इस C9 किट लेते हैं आपको 1.25 सीसी एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि एडिशनल ऑफ 0.125 सीसीज जो आपको मिल रहे हैं अगर आप इस C9 पैक को ले रहे हैं। तो नॉट ओनली आर यू गेटिंग दिस बेनिफिट बट यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग योर जर्नी, आप अपने एक सफर की शुरुआत कर रहे हैं ऑफ गुड हेल्थ। सो शुरुआत कीजिए अपने सफर की ऑफ गुड हेल्थ, आगे बढ़िए विद C9 एंड फॉरएवर फिट सिर्फ एक शुरुआत है। ऑल यू नीड टू डू इज मेक अप योर माइंड और फॉरएवर फिट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं हर स्टेप ऑफ द प्रोग्राम अपने आप। अब आप समझ गए हैं कि कैसे शुरू करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं इस प्रोग्राम की थ्रू सोशल मीडिया। आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए एंड थोड़े थोड़े आप अपने ग्रुप्स में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। थोड़े थोड़े लोगों के साथ आप शुरुआत कीजिए ताकि आप उनको मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें। सो आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू यू नो फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड मैं उम्मीद करती हूँ दैट आप भी रेजोल्यूट होंगे, आप भी अपना माइंड मेकअप करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने सफर की ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस यू नो जो आप पाएंगे अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो अ हेल्दी लाइफ स्टाइल अलॉन्ग विद अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट along with you know exercise jo aap follow karenge is what it takes for you to achieve your weight management goals and जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था invest in yourself because यही वो investment है जो आपको maximum